भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी। सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की, सरकार के ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाए, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रुकने से ना रुके। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मारे तुम्हारे विषय में। जो रास्तों में खड़ा था, मेरा मत है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गाँव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़े जाऊंगा। 5,000 6,000 7,000 रुपए के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पर होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार है। 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? मोदी जी के लिए दो दो नए नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? हथौली की बहादुर जनता को मैं सलाम करता हूं। आपने वो करके दिखाया जो बहुत लोगों के नजर में असंभव था। आपने साबित किया कि ये देश आज भी महात्मा गांधी जी का है, बाबा साहेब का है, सरदार पटेल जी को मानने वाले चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों का ही है। आपने ये साबित किया कि रिक्शा चलाने वाले लोग, भैंसा बुग्गी चलाने वाले लोग, ट्रैक्टर खुरपी हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है, ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो, और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी। सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की, सरकार के ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाए, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रुकने से ना रुके। जैसे मदन ने कहा, बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है, वो चिंगारी जिंदा है। मैं कल रात को दुष्यंत जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव पे बिल्कुल सटीक बैठती है, सुना दूं। फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मारे तुम्हारे विषय में। जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। ये जीत आपकी है, आपके उस मनोबल को सलाम करता हूं। मेरे लिए बहुत मीठे अनुभव रहे, व्यक्तिगत तौर से ये चुनाव मैं हमेशा याद रखूंगा। हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, वे भी हमेशा याद रखें। 3 गांव में तो मैं हर गली हर घर तक पर्ची बांटने गया, हर मतदाता से उनके परिवार से बातचीत करने का मौका मिला, और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में दिल में है। और मैंने ये फैसला ले लिया है
कि अब यह कारवां रुकेगा नहीं। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में उस हमला जामा को पनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं एक घोषणा करना चाहता हूं उस मंच से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़े जाऊंगा, हर तीसरे दिन में कार्यक्रम होंगे और हर दिन 10 से 15 गांव में बैठक होंगी, जहां आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इतने ऐसे गांव हैं जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करने की जरूरत, कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं, गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये सिर्फ सत्ता का रास्ता है, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बदलनी है। जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत था, जो उन्होंने कल्पना देखी थी, जो सपने देखे थे, आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं, उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गए। ये देश में किसानों की हालत, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8061 रुपये है। 8061 रुपये मासिक आय है, माफ कीजिएगा, साधारण सामान्य किसान परिवार की, एक आदमी के नहीं पूरे परिवार की। अब 8000 रुपये में कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे खर्चे कैसे मीट कर पा रहा है, और ये तो आपकी रोज की जिंदगी है। 5000, 6000, 7000 रुपये के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पे होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं, आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है, 5 साल में 35 रुपये बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई, तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। बछड़ों के झुंड हो गए, अब इतना आसान काम नहीं रहा। इनके झुंड यहां भी आए थे, आपने यहां से तो खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है, सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही थी, मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया वालों ने जब बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था, पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं, ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी कहता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, फिर दोहराता हूं,
कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं हैं आज और बिगड़ेंगे आगे, और तो वो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं, उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मैं मांग करता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को रद्द कर दीजिए, ये योजना हमें पसंद नहीं है। देश के नौजवानों को ये गले से उतर नहीं रही योजना, किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले, हम चाहते हैं हर सैनिक को उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो देश के नए पार्लियामेंट पे पैसा क्यों खर्च करती है? 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? मोदी जी के लिए 2-2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। और एक मशहूर कवि ने कहा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता ये कारवा क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवा क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं, लानत है। ये दरवाजे पर चटकनी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं, कैसी तस्वीर देखते हैं, पता लग गया देश को। तो इधर उधर की बात ना करो, समय पे नौकरी दो नौजवानों को, समय पे किसानों को भाव दो। जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं, नरेगा योजना ठप पड़ी है, सरकार उसका बजट में कटौती करती है, उस योजना को बढ़ाया जाए। शहरी क्षेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए। हमारे गांव में पेंशन बंद हो गई, हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़े बच्चे बता देंगे स्कॉलरशिप बंद पड़ी हैं। अभी मौलाना आज़ाद फेलोशिप के नाम पे विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे थे, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया, कैची चला दी। तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अब से लेकर 2024 तक जनता के बीच रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से जो प्यार दिया और चुनाव बाद भी पूरा दबाव सहन किया, खानपुर की चर्चा भी मेरे पास है, एक आध प्रतिष्ठानों पे जो उन्होंने छापे मारे वो भी जानकारी हम पे है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय होने वाला नहीं है। 23 तारीख चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, मैं आप सबको न्योता देता हूँ, जो आ सकें किसान घाट पे, भरतपुर पे और अपने गाँव में उसको मनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।